मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूं। पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं समाज में एज ए लेजर सर्जन, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज एन एमरजेंसी सर्जन दे रहा हूं। आज मैं आपसे एक बात करूंगा, बहुत ही एक कॉमन ऑइंटमेंट थ्रम्बोफोब ऑइंटमेंट या थ्रम्बोफोब जेल के बारे में। ये दो तरह से मार्केट में उपलब्ध है, एक इसका ऑइंटमेंट है और एक इसका जेल है। जो ऑइंटमेंट है उसके अंदर हेपेरिन होता है 50 इंटरनेशनल यूनिट्स और बेंजाइल निकोटिनेट होता है 2 मिलीग्राम, लेकिन जो इसका जो जेल वैरायटी है उसमें 200 इंटरनेशनल यूनिट्स हेपेरिन होता है और 54% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल होता है, इथेनॉल या एल्कोहल होता है। जो एल्कोहल बेस्ड ऑइंट लगाने के जो क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स आते हैं, अगर उनमें एल्कोहल होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। जो ऑइंटमेंट होता है वो ऑयल बेस्ड होता है और वो स्किन की सरफेस पर बहुत ज़्यादा देर तक बना रहता है, यही इसका अंतर होता है। तो अगर हमको अब थ्रम्बोफोब का ज़्यादा असर लेना है, जल्दी असर लेना है, तो हमको थ्रम्बोफोब जेल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों ये जल्दी स्किन के अंदर चला जाता है और इसका इफेक्ट वहाँ पर जल्दी आ जाता है। जो हेपेरिन होता है वो मेनली एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है, जो अंदर जमा हुआ खून है, थक्का है, उसको ये पिघलाता है और अगर सूजन आ गई है तो उस सूजन को भी ये कम करता है। इसका सबसे पहला जो इंडिकेशन जो हम लोग वार्ड में अपने यूज़ करते हैं, जब हम लोग ड्रिप चलाते हैं, ग्लूकोज की ड्रिप चलाते हैं, तो उसके चलाने के बाद हाथ में एक दो दिनों में सूजन आने लगती है और ये सूजन होती है कि जो हमारी जो धमनियाँ हैं, वेंस हैं जिसको हम नाड़ियाँ बोलते हैं, जिससे खून वापस जाता है शरीर में हार्ट के पास, वो उनके अंदर खून के थक्के जमने लगते हैं और जब खून के थक्के जमने लगते हैं तो उसमें स्वेलिंग आने लगती है और पूरे हाथ में या अगर पैरों में चढ़ रही है तो पैरों में सूजन आ जाती है। तो इस सूजन को कम करने के लिए हम थ्रम्बोफोब जेल का मरीज को सलाह देते हैं कि इसको दिन में 2 या 3 बार लगाओ, जितना आवश्यक मात्रा हो उतना लेके हाथ से और इस तरह से लगा देना चाहिए, लेप कर देना चाहिए। इसको हमको ज़ोर से मसाज नहीं करना चाहिए, बस हल्के हाथ से उसका हमको लेप लगा देना चाहिए और उसको कभी भी ज़ोर से रगड़ा नहीं या उसका मसाज नहीं करना चाहिए। या इसका दूसरा यूज है वो है चोट लगने पर। जब चोट लग जाती है शरीर में कहीं पर भी तो खून के थक्के जम जाते हैं, खासतौर से खाल के नीचे, और उन खून के थक्कों को पिघलाने के लिए इसका बहुत अच्छा रोल है। इसका असर धीरे धीरे आता है, 2 से 3 हफ्ते में आना शुरू होता है, लेकिन फिर आता चला जाता है और जो खून का थक्का है वो बिल्कुल साफ चला जाता है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों में जो नसें होती हैं उभरी हुई होती हैं पैरों में भी हाथ में भी, जिनको हम वेरिकोज वेंस के नाम से बोलते हैं, अगर उनके अंदर खून के थक्के जम जाते हैं उनमें भी सूजन आ जाती है और वहाँ पर भी इसका हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम सुपरफिशियल थ्रम्बोफिलिबाइटिस के नाम से बोलते हैं कि जो हमारी जो वेंस है उनमें सूजन आ गई है। इसके अलावा कहीं पे भी अगर खून जम गया हो तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं थ्रम्बोसिस। और जैसे बहुत इसका यूज़ मैं करता हूँ, जब हमारे जो पाइल्स होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, उसके अंदर जम जाता है खून, जिसको हम थ्रम्बोस्ड एनल पाइल के नाम से जानते हैं, और उसमें भी थोड़ी मात्रा में थ्रम्बोफोब जेल लेके दिन में 2 या 3 बार तक आप मस्जे के ऊपर लगा सकते हैं। इसको अगर आप फेस पर लगा रहे हो तो ये ध्यान रखें आपकी आँखों के अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर या जेनाइटल्स के अंदर इसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एलर्जी हो सकती है। कभी कभी जोड़ जो होते हैं हमारे, जोड़ों के अंदर सूजन आ सकती है और जो टेंडन्स होते हैं, इसके जो लिगामेंट्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिसको हम टेंडोवेजिनाइटिस के नाम से बोलते हैं, तो उसमें भी लगाने पर सूजन में कमी आती है और जो मूवमेंट होता है वो अच्छा हो जाता है। तो ये सारे इंडिकेशंस मैंने आपको बताए और सबसे ज़्यादा यूज हम एज ए सर्जन करते हैं ग्लूकोज चढ़ाने के बाद जो सूजन आ जाती है उसमें करते हैं, या चोट लगने के बाद जो नीलापन पड़ जाता है उसमें हम इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इचिंग, इरीटेशन, रेडनेस, बर्निंग और कभी कभी एलर्जिक भी हो जाते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो हम सलाह देते हैं कि इसका आप यूज़ ना करें। अब इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कहाँ पर हमको यूज़ नहीं करना चाहिए? अगर पहले कभी आपको हेपेरिन के इंजेक्शन लगे हैं या हेपेरिन का या आपने यही थ्रम्बोफोब जेल यूज़ किया और आपको इसको एलर्जी है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी ब्लड डिसऑर्डर्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या ओपन ब्लीडिंग हो रही हो,
तो भी आपको इसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग हो रही है उसमें आपको लगा देंगे तो ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो भी ओपन वुंड्स होते हैं, खुले हुए घाव होते हैं, खुले हुए घाव में भी इसको हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि उससे ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जिसमें से ओजिंग वुंड्स हो, जिसमें से ब्लड थोड़ा थोड़ा आ रहा, या प्लेट का मरीज़ का प्लेटलेट काउंट कम हो, प्लेटलेट काउंट कम होने पे भी ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, तो उसको हम नहीं लगाते हैं। पस या एप्सिस में अगर जो सूजन आ गई है उसके आसपास, उसको थोड़ा कम करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, आपको इसको रगड़ना नहीं है, उसका मसाज नहीं करना है, और इसको लगाने के बाद आपको सनलाइट में नहीं जाना चाहिए, धूप में नहीं जाना चाहिए, तो उससे आपको यूवी रिएक्शन हो सकता है। आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और आपको आग के पास नहीं जाना चाहिए, फ्लेम के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें 54% अल्कोहल होता है, और उसमें से फिर झुलसने का आपको खतरा रहता है। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन टाइम में कोई हमारे पास स्पेशलिस्ट एस्टेब्लिश्ड फैक्टर्स नहीं है, डेटा नहीं है, तो अगर बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा थोड़ा प्रयोग इसका आप कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 2 से 3 हफ्तों में इसका असर आना शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे आता चला जाता है। ये कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, इससे कोई किस तरह की हैबिट नहीं बनती है, और इसको एल्कोहल से इसका वैसा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और एल्कोहल के साथ भी आप इसका सेवन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। थर्मोफोब के बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर और कोई बात आप पूछना चाहें तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थर्मोफोब जेल की प्राइस आजकल 228 रुपये के आसपास है, और प्राइस तो इसकी कम ज़्यादा होती रह सकती है दवाइयों की, तो जिस समय आप लें उस समय आप देखें कि उस समय कितनी प्राइस चल रही है। और इसका प्रयोग मैंने बहुत किया है, और मेरे पेशेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा मिला है। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। नमस्कार।